उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का दबाव बढ़ते ही जा रहा है। वहीं राज्य में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने और क्रीमी लेयर का दायरा संशोधित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ओबीसी आयोग पहले ही राज्य सरकार से इसकी सिफारिश कर चुका है। आपको बता दें कि इस संबंध में कई राजनीतिक दलों और ओबीसी नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड बनने के समय ओबीसी के लिए 14% आरक्षण तय किया गया था। अब क्योंकि राज्य बने 20 साल से अधिक हो चुके हैं और इस दौरान ओबीसी का दायरा भी बढ़ा है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आरक्षण बढ़ाया जाना जरूरी है। वहीं हल्द्वानी नगर निगम सभागार में ओबीसी सर्वेक्षण के लिए गठित किए गए एकल सदस्य समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्होंने कहा कि आयोग ओबीसी को सही आरक्षण देने के लिए जो सर्वेक्षण कर रहा है उसमें कमियां हैं। ये सर्वेक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। इस गणना के बाद वर्ष 2015 में चुनाव हो चुका है, इसके बाद वर्ष 2021 में जनगणना होनी थी, सरकार इस गणना को नहीं करवा सकी है। पहले जनगणना होनी चाहिए, तभी ओबीसी को सही ढंग से आरक्षण मिल सकेगा। यदि सरकार या निर्वाचन आयोग वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव करवाना चाहती है, तो जनगणना का दूसरा चक्र लागू कर चुनाव कराएं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चक्र के आधार पर ही चुनाव हुए हैं, जबकि हरिद्वार जिले में सरकार चौथे चक्र के आधार पर चुनाव कराना चाहती है, जो सरासर गलत है। इस पर आयोग अध्यक्ष ने बताया कि वे केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सर्वेक्षण कर रहे हैं। आरक्षण से संबंधित सवाल पूछे और आरक्षण यूपी की तर्ज पर 27% दिए जाने की मांग की। उन्होंने वोटर लिस्ट में जो ओबीसी के मतदाता छूट गए हैं उन्हें भी शामिल कर सर्वेक्षण करवाने का सुझाव दिया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जन सामान्य की इसमें भागीदारी होनी है और जन सामान्य से ही हमको आंकड़े एकत्र करने हैं। शहरी निकाय क्षेत्र, गांव और शहर में थोड़ा फर्क है। गांव में ग्राम प्रधान या कोई भी प्रतिनिधि किसी को बता देगा, वहां जानते हैं सब, जाति के आधार पर सबको जानते हैं। शहर में बराबर वाले को भी नहीं जानता, इसलिए शहरी निकाय वालों को कहा गया है कि वो गहन अध्ययन करें और जो हम आंकड़े जो हम देंगे प्रपत्र उसमें सही तरीके से भरें। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, हाईकोर्ट का नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामलों में एक सुनवाई की गई, जिसमें जो पंचायतों का आरक्षण था ओबीसी का, उसको चैलेंज किया गया था। तो जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दिया है कि राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण करने का अधिकार है, लेकिन वो ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया होने के पश्चात ही आरक्षण को प्रभावी कर सकेंगे।